नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे होली के दौरान शराब को लेकर। बिहार में लोग होली को उल्लास के साथ मनाते हैं। होली का त्यौहार मनाने के लिए लोग दूसरे राज्यों से अपने प्रदेश आते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि होली का त्यौहार किसी भी परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में होली के रंग में खलल तब उत्पन्न हो जाता है जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है। वैसे तो यह रंगों का त्यौहार है जिसमें एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुरानी सभी रंजिशों को दूर करते हैं और आगे के जीवन की कामना करते हैं। लेकिन बिहार में जारी शराबबंदी कानून इस बार आपके होली के रंग में भंग डाल सकता है। बता दें कि बिहार सरकार ने शराब मुक्त बिहार की संकल्पना के तहत एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि त्यौहार के दौरान शराब पीने वालों को नज़र रखी जाएगी। हालांकि अब बिहार सरकार ने शराबियों पर नज़र रखने के लिए अपने तरीकों में भी बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप होली में इस तरह का विचार बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। होली के रंग में कोई भंग न पहुंचाए, इसको लेकर बिहार सरकार ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत यह बताया जा रहा है कि बाइक दस्ता तैयार किया जाएगा जो कि शराबियों के साथ साथ शराब तस्करों पर भी नज़र रखेगा। त्यौहार के दौरान बाइक दस्ता गश्त लगाएंगे। यह भी बताया गया है कि इस दौरान अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्यौहार के दौरान शराब तस्करों पर लगाम लगाने को लेकर उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में यह कहा गया है कि हर 50 किलोमीटर पर बाइक से गश्त कराने को कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि रात के समय दियारा के क्षेत्र में छापेमारी की जाएगी। होली में तैयारियों को लेकर उत्पाद आयुक्त ने साफ साफ कहा कि शराब को लेकर बनाए गए अवैध अड्डों की एक सूची बनाई जाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि इसमें पकड़े गए लोगों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि चेक पोस्ट पर सघन जांच की जाएगी। यह भी कहा कि चलंत फुल बॉडी स्कैनर से जांच करने की बात सामने आई है। अगर हम सरकार की तैयारियों को देखें तो वर्तमान में इस कार्य के लिए 34 ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, जिससे कि शराब तस्करों को पकड़ा जा सके। खासकर दियारा इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है और इसका सकारात्मक पहल निकल कर सामने भी आ रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देख लें तो वे बताते हैं कि ड्रोन कैमरे की टीम के साथ शामिल किए जाने के बाद से शराब तस्करों को पकड़ने या फिर अवैध शराब बनाने के अड्डों को पकड़ने में काफ़ी तेजी आई है। बिहार सरकार ने ड्रोन कैमरे की सफलता के बाद से हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी शुरू कर दी है, जिससे कि शराब तस्करों को पकड़ा जा सके। बता दें कि उत्पाद विभाग के अधिकारी दियारा इलाके में ड्रोन कैमरे का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इन इलाकों में हजारों लीटर देसी शराब बरामद हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गंगा किनारे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर इन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार सरकार त्योहारों में शराब की तस्करी को रोक लगाने के लिए प्लान बनाई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे प्रकरण में अगर सरकारी तंत्र का हाथ सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे कई पुलिस अधिकारी हैं जिन पर शराब के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार होली में शराबियों को पकड़ने में कितना कामयाब रहती है और होली कितना लोगों के लिए सुखदायी होता है। क्योंकि अगर होली जैसे त्यौहार जिसमें हमने पहले ही कहा कि यह एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पुरानी रंजिशों को दूर करने का समय होता है, लेकिन जब शराबी एक दूसरे को शराब पीकर जब आपस में झगड़े के मामले सामने आते हैं तब जो है यह रंग में भंग डालता है। ऐसे में बिहार सरकार की यह कोशिश कितना कामयाब होती है यह तो होली के बाद ही पता चलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।